महाराज सिंधिया पर भारी पड़ गए मामा शिवराज, सीएम पद भी रहेगा सुरक्षित। प्रदेश में इसी महीने हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। हाईकमान ने सीएम स्वराज को सौंपे सभी अधिकारी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की कुर्सी सुरक्षित हो गई है। बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश में सीएम बदलने का फैसला छोड़ दिया है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान ही सीएम रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बहुमत मिलता है तो बाद में तय किया जाएगा कि चुनाव के बाद किसे रखा जाए। सीएम की कुर्सी की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी जोर शोर से चर्चा में था, लेकिन शिवराज ने अब सिंधिया को पीछे छोड़ दिया है। महाराज के हाथों से सिर्फ सीएम की कुर्सी नहीं फिसली है, महाराज के समर्थकों के हाथों से मंत्री पद भी फिसलता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने सीएम शिवराज को फैसले लेने की खुली छूट दे दी है। उन्हें सख्त रुख अपनाने की भी सलाह दी गई है। आलाकमान ने कहा है, अपनी सॉफ्ट छवि को तोड़िए, थोड़ा सख्त बनिए। प्रशासन को सॉफ्ट होने के साथ ही जरूरत पड़ने पर सख्त भी होना पड़ता है, और इसका असर शिवराज के फैसलों पर दिखाई देना भी शुरू हो गया है। बीते दिन प्रदेश में 12 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, वहीं दूसरी ओर शिवराज के फैसलों की चपेट में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के नेता भी आ सकते हैं। जल्दी ही कार्यवाहियों का दौर शुरू हो सकता है और सारे फैसले सीएम शिवराज लेते हुए दिखाई देंगे। संकेत तो इस बात के भी मिलने लगे हैं कि अब जल्दी ही शिवराज सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। एक दर्जन के करीब नए मंत्री बनाए जाएंगे, आधा दर्जन से ज्यादा पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी। जिन मंत्रियों की छुट्टी की जानी है उनमें से कुछ नाम सिंधिया समर्थकों के भी बताए जा रहे हैं। कुछ पद खाली हैं, उन्हें भी भरा जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों से सिंधिया समर्थक मंत्रियों की नींद तो उड़ी हुई ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और इस समय मंत्री पद जाता है तो क्षेत्र में भी गलत मैसेज जाएगा। मंत्री पद रहता है तो क्षेत्र के लिए अंतिम समय तक कुछ काम कर पाएंगे। इसलिए सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने एक बार फिर से अपने नेता के आगे पीछे चक्कर काटना शुरू कर दिया है। दरअसल शिवराज मंत्रिमंडल का इस समय संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्षेत्र के हिसाब से भी और जातियों के हिसाब से भी। मंत्रिमंडल विस्तार में इसे सही किया जाना है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का कोटा बढ़ाया जाना है, जबकि मंत्रिमंडल में एक ही जाति के कई मंत्रियों की भरमार हो गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ये सिंधिया समर्थकों की उम्मीद भी टूट जाएगी जो उन्होंने हाईकमान से अब तक लगा रखी थी। उम्मीद थी कि सिंधिया को सीएम पद मिलेगा। चुनाव के 6 महीने पहले ही सिंधिया को सीएम बनाए जाने की चर्चाएं चल रही थी। दावा किया जा रहा था मध्य प्रदेश में अप्रैल में बड़ा बदलाव हो सकता है, सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये उम्मीद पूरी तरह से चकनाचूर होती दिख रही है। शिवराज एक बार फिर महाराज पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। शिवराज को हाईकमान से जो संकेत मिले उसका असर उनके तेवरों पर भी दिखने लगा है। वो अपनी छवि बदलने में एक्टिव हो गए हैं। हाईकमान का संकेत बूस्टर डोज की तरह काम करने लगा है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एहसास भी करा रहे हैं, उन्हें जो सीएम पद मिला है वो उनकी ही मेहरबानी से मिला है। नीति तो इसे ही कहते हैं। सिंधिया को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया जा रहा है कि उनके साथ बीजेपी में कुछ गलत हो गया है। सीएम का पद सामने था और हाथ से निकल गया तो शिवराज के हाथ में चुनाव की पूरी कमान सौंप कर बीजेपी ने साफ कर दिया है उसे अपने पुराने नेता पर ही अटल भरोसा है। शिवराज 16 साल से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश के सीएम हैं, हाईकमान तो यही कहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता किसे सीएम के रूप में चाहती है ये प्रदेश की जनता तय कर देगी।